Hey, what's up everybody? My name is Vikas Singh and you are watching Andragology. और आज हम यहाँ पर बात करने वाले फिर से Mi 11 Lite Any के ऊपर. केवल Xiaomi 11 Lite Any के लिए ही नहीं, यहाँ पर सभी के लिए जो भी यहाँ पर बीटा सपोर्ट करते डिवाइस, सभी के लिए नया बीटा यू वर्जन आ चुका है. जी हाँ दोस्तों, चाइना बीटा वर्जन 22.7.28 के ऊपर बेस्ड ये वर्जन जो है आपको फाइनली यहाँ पर देखने को मिल चुका है. जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं इसके डार्क मोड को जो है ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे. तब तक दोस्तों आप नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर से दबा दें. अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो आप देख सकते हो 22.7.28 बीटा का वर्जन जो है यहाँ पर फाइनल रिलीज कर दिया गया है. जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर. कुछ भी बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको पता ही है नहीं होते हैं यहाँ पर. हमेशा से ही हम लोग देखते आए हैं कि मेजर चेंजेस यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलते हैं MIUI के अंदर. हालांकि हमें नए कंट्रोल सेंटर देखने को मिल गए हैं, मुझे छोटे मोटे बग्स भी देखने को मिले हैं. जैसे कि आप लोग देख सकते हो हल्के फुल्के लैग कभी कभी मुझे एनिमेशंस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं Mi 11 Lite Any की बात करूं. उसके बाद यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं क्या कुछ इसके ऊपर नया देखने को मिला है. तो मैं बता दूं दोस्तों, लिटरली यहाँ पर मुझे कोई ऐसा नया फीचर देखने को नहीं मिला है. अगर सिक्योरिटी पैचेस की बात करें तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वो भी आपको यही देखने को मिला है 22.8.11. तो हाँ, सिक्योरिटी पैचेस यहाँ पर जरूर अपडेट कर दिया गया है. अगस्त के सिक्योरिटी पैचेस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अभी अगस्त आया भी नहीं है तो कैसे दे रहे हैं पता नहीं, लेकिन हाँ भाई अगस्त के सिक्योरिटी पैचेस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इम्प्रूव कर दिए गए हैं, डाल दिए गए हैं. इसी के अलावा दोस्तों नेक्स्ट चीज़ की बात करें, कुछ स्लो मो के इश्यूज थे जो कि अब फिक्स कर दिया गया है. हाँ जी, सो लास्ट अपडेट में यहाँ पर आपको स्लो मोशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही से काम नहीं कर रहा था, तो उसको भी फिक्स कर दिया गया है. तो अभी आप जो अगर स्लो मोशन वगैरह लेंगे तो वो काफ़ी परफेक्टली काम करेगा, कोई इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे स्लो मोशन में. तो जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ, एक ये यहाँ पर एक ले लिया स्लो मोशन. अभी इसको प्ले करने का भी यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए भैया, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा और उसके बाद हम लोग इसको प्ले भी कर सकते हैं. तो अभी स्लो मोशन यहाँ पर जो है 960 FPS वाला भी वर्क कर रहा है, नो इश्यूज जैसे कि आप लोग देख सकते हो. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है, और भी छोटे मोटे बग्स जो थे उनको फिक्स करने की कोशिश की गई है, और कुछ नोटिफिकेशन पॉपअप वगैरह आ रहे थे तो उसको भी अभी फिक्स कर दिया गया है दोस्तों. तो उसमें भी कोई इश्यूज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं. वहीं दोस्तों पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं Mi 11 Lite Any की, तो यहाँ पर दोस्तों CPU थर्ड टेस्ट और Geekbench को भी हमने परफॉर्म किया है, तो वो भी मैं यहाँ पर फटाफट से आपके साथ जो है वो पूरे रिजल्ट शेयर कर देता हूँ. लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको मैं दिखा दूँ कि यार सेटिंग के ऊपर कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है. मैंने यहाँ पर सारी सेटिंग्स यहाँ पर चेकआउट कर ली ऑलमोस्ट, और मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी सिंगल चेंज देखने को नहीं मिला है, वही सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं. साथ ही में दोस्तों गेम टर्बो 5.0 भी यहाँ पर देखने को अभी नहीं मिला है, तो वो यहाँ पर चीज़ हो जाती है. मेरे को लगा था शायद वो आ गया होगा, लेकिन वो भी अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो एक वो चीज़ हो जाती है. बाकी तो आप लोग देख ही सकते हो, बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि ये बैलेंस्ड एनिमेशन और रिलैक्स्ड वाले ये ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुके हैं लास्ट टू लास्ट अपडेट में, आई गेस जहाँ तक मुझे याद है. तो अभी यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, फटाफट से जो इसके CPU थर्डल टेस्ट को भी यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे आया. ये था अब दोस्तों यहाँ पर बिना गेम टर्बो के. जी हाँ दोस्तों, साढ़े पाँच मिनट का ये टेस्ट है. आप लोग देख सकते हो अगर मैं बिना गेम टर्बो के इस टेस्ट को करता हूँ तो एवरेज यहाँ पर 190 GIPS देखने को मिलता है, मैक्स यहाँ पर 225 GIPS देखने को मिल जाता है. वहीं अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, तो नॉर्मली यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो अगेन से यहाँ पर जो मैक्स गया है, जब हम गेम टर्बो ऑन कर देते हो तो परफॉर्मेंस तो यहाँ पर स्टेबल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर GIPS का स्कोर जो है मैक्स स्कोर वो गिर जाता है, और एवरेज यहाँ पर 183 देखने को हमको मिलता है, जो कि हमारे इसके एवरेज से भी कम है दोस्तों. तो ये यहाँ पर थोड़ा सा 5-5 मिनट का दो मैंने टेस्ट किया था देखने के लिए कि भैया गेमिंग परफॉर्मेंस जो गेमिंग वर्ड होता है वो किस तरीके से काम करता है आपके साथ में. तो ये कुछ इससे ये चीज़ें हो जाती है. Geekbench के ऊपर हमने ये चीज़ परफॉर्म नहीं करी है, लेकिन गेमिंग बूस्टर के साथ में ही हमने इसको यहाँ पर टेस्ट किया, गेम टर्बो के साथ में यहाँ पर टेस्ट किया है. जैसे कि मैं बता रहा हूँ गेम टर्बो भी यहाँ पर आपको ओल्ड वाला देखने को मिलता है, नया वाला देखने को मिला, नया वाले इन द सेंस वो ग्राफ वाला जो आ रहा है, आपने अगर वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे मेरे पुराने वाले तो उसमें मैंने दिखाया है. ठीक है, तो सिंगल कोर स्कोर जो यहाँ पर 778 और मल्टी कोर के अंदर 2835 जो स्कोर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ से मेरे को सही लगा है स्कोर, यार काफ़ी इफेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है. मेरे पुराने वीडियोस में भी आप लोग देख सकते हो मैंने Mi 11 Lite Any के बहुत सारे वीडियोस को कवर किया हुआ है, और ये जो मेरी बीटा सीरीज है शायद मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ अब, क्योंकि यार आप लोग की रिक्वेस्ट है कि भैया इस वाली सीरीज को जो है कंटिन्यू रखें एटलीस्ट Mi 11 Lite Any के लिए, तो मैं डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ. इसी के अलावा दोस्तों एक बैड न्यूज़ ये है जो कि मुझे आज ही पता चली है भैया, जैसी सबको पता चली वैसे मुझे भी पता चली है, BGMI जो है वो फाइनली प्ले स्टोर से जा चुका है. तो ये याद रहेगा कि जिस दिन वापस से BGMI चला गया था, यानी अपना PUBG जो है वापस से प्ले स्टोर से चला गया था,
उसी दिन जो है मैंने ये वीडियो बनाया था, और आप लोग देख सकते हो। फिलहाल मैं सोच रहा था गेमिंग वगैरह फिर से शुरू करें, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन कौन सी मोबाइल गेम है जो मैं आपको खेल करके दिखा सकता हूँ, और क्या परफॉर्मेंस उस पर टेस्ट होगी। कुछ लोग मुझे कह रहे थे एपेक्स लेजेंड है तो उसको यहाँ पर टेस्ट कर लो भैया, तो ये मैं ट्राई करूँगा कि इसको खेल पाऊँ। मेरे को वैसे पता नहीं है कि इसको कैसे खेलते हैं, मैंने कभी खेला नहीं है इसको, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा इसको। काफ़ी आई गेस बहुत ही बड़े साइज़ की होने वाली गेम, या हो सकता है छोटी भी हो। तो 2.7 ऐप इसका साइज़ है, 2.7 GB। और इसी के लिए दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग मैं टॉपिक्स, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मैं लेकर के आ रहा हूँ, जिनका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके की और भी वीडियोज़ चाहिए तो यार मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे यार वो भी कमेंट करके नीचे बताइए फटाफट से। और जो भी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। अगर आपको कुछ इसके अंदर नया अपडेट देखने को मिला है अपने इस वाले बीटा के अंदर, तो मुझे यार कमेंट करके बताना ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर सकूं। आई होप आपको वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को भी जरूर से लाइक करेगा, कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूं दोस्तों इसी तरीके के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।